राजेंद्रा बुक का हम यूनिट 1 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एमसीक्यू चलिए देखते हैं। शिक्षण शब्द किस शब्द से लिया गया है? सिखाने के लिए। शिक्षण शब्द किस शब्द सिखाने के लिए से लिया गया है? छात्रों को अपनी गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए ज्ञान प्रदान करने और मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया कौन सी है? शिक्षण है। अध्यापन विशेष रूप से शिक्षण देने वालों का पेशा है, माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर, ये सभी। शिक्षकों के उपसमूह हैं, शिक्षकों के तीन उपसमूह हैं प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के शिक्षक उपसमूह शिक्षकों के होते हैं, अर्थ सीखने के लिए निर्देश देने के लिए, शिक्षक एक प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण जॉन एडम द्वारा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। कौन बोला था? जॉन एडम बोले थे। आधुनिक अवधारणा के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय। शिक्षण की त्रि प्रक्रिया में तीन प्रक्रिया शामिल है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षण ज्ञान समझ कौशल प्रदान करता है। शिक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के बीच संचार है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक क्रिया प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है। किसने कहा था? बीडी स्मिथ। शिक्षण किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलने के लिए उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है, एनएल गेज। वर्टन के विचार के अनुसार शिक्षण सीखने का मार्ग दर्शन है। शिक्षण एक ऐसा रिश्ता है जो बच्चों को उसकी सभी शक्तियों का विकास करने के लिए रखता है। किसका विचार है? रायबर्न का विचार है। शिक्षक एक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। शिक्षण एक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण कला, शिल्प और साथ ही विज्ञान है। शिक्षण एक स्वतंत्र गतिविधि नहीं है, ये भी दोनों। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों है। अध्यापन में संचार कौशल का वर्चस्व है। उपलक्ष्य के रूप में निश्चित कौन है? शिक्षक। प्रत्येक पाठ का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, यह एक शिक्षण का सिद्धांत है। एक पाठ की सफलता छात्रा भागीदारी की डिग्री पर निर्भर करती है। संशोधन, पुनः पूर्णीकरण और आवेदन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सफल बनाते हैं का प्रमुख है। दोहराव और व्यायाम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत है। स्व शिक्षा का प्रोत्साहित करने का सिद्धत्व है। शिक्षक छात्रों को स्वयं सिखाने की आदतों को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? रायबर्न के द्वारा। किसने कहा है कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है? बी ओ स्मिथ ने। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्ताओं को अर्जित करना है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा है? क्रो एंड क्रो का। यह किसका विचार है? शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित है? दूसरों पर निर्भरता। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? इच्छा शक्ति। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट। किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के अधिगम के परिणामों को ध्यान केंद्रित किया जाता है? स्मृति स्तर। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है? चिंतनशील स्तर। किस स्तर के शिक्षण में संज्ञानात्मक परिवर्तन के विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता होती है? चिंतनशील स्तर शिक्षण। तथ्य और जानकारी शिक्षण के लिए स्तर पर केंद्रित है? किस स्तर पर केंद्रित है? स्मृति स्तर। शिक्षण के सूत्र हैं, ज्ञान से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, उपरोक्त सभी। शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। चिंतन स्तर पर विद्यार्थियों का क्या विकास होता है? मौलिकता, सृजनात्मक, स्वतंत्रता, तीनों। शिक्षण का व्यापक अर्थ है व्यक्ति का पूरा जीवन सीखना। शिक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया था? बीके पासी ने किया था। किसने कहा था कि शिक्षण एक गति विशिष्ट कार्य है? जंगीरा और अजीत सिंह। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, स्मिथ। एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया कैसी मानी जाती है? शिक्षक प्रधान। गेने के सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा गया? 8। गेने के सिद्धांत किस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है? सरल से जटिल। पूर्व
क्रिया की अवस्था को कहा जाता है शिक्षण नियोजन अवस्था। अंतः क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कौन सी है? छात्रों का निदान, निष्पत्ति कार्य, कक्षा आकार की अनुभूति, ये सभी। बोध स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिसन ने किया था, मॉरिसन। चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है? हंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस हमारा यूनिट पहला समाप्त होता है।